ट्रांसफर के केस में 1 month और डिवेंचर के केस में 6 months, करेक्ट? कोई दिक्कत इसके अंदर में? ये याद रखना, शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करने का टाइमिंग। अब देखो, इसी को अगर बाउंस करना होगा, स्टंप करना होगा इंस्टीट्यूट को, तो वो पूछेगा डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करने का टाइम लिमिट फॉर डुप्लीकेट इश्यू ऑफ टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। लिस्टेड कंपनीज में 15 दिन हो गया और अनलिस्टेड कंपनी में 30 दिन हो गया। हम दोनों का आंसर दे रहे हैं, दिमाग में रख लेना, ये सब आंख से भी निकाल लोगे ना, पूछ लिया अगर तो मैनेज हो जाएगा, नहीं तो मैनेज नहीं होगा। सर जी, ये हमको समझ में आया था इसलिए हम बता दिए। हम इंस्टीट्यूट के बेसिस पे सोच रहे, जो पेपर इस बार आया है उसके बेसिस पे क्या होना चाहिए। नाउ, स्वेट इक्विटी शेयर्स और ESOS एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन की रट लिया हमने, बोल दिया है रट लिया, मतलब समझ लिया। नाउ हम प्रेफरेंस ईयर में गए, प्रेफरेंस ईयर में हमको कुछ अच्छा नहीं लगा आने लायक, हमको सिर्फ एक क्वेश्चन समझ में आया जो आना चाहिए। प्रेफरेंस शेयर कितना दिन के लिए इश्यू हो सकता है मैक्सिमम? 20 ईयर्स है, लेकिन 30 ईयर्स एक सिचुएशन में है, याद है इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में 30 है, उसमें 21st ईयर से 10% रिडीम करते हुए जाना होगा, याद आता है? बस यही पॉइंट, और कोई काम कर नहीं रहा हमको, और कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ गए चीज को? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर टाइम लिमिट, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर का टाइम लिमिट 20 ईयर्स, 30 ईयर्स स्लैश देके लिख लो, 21st ईयर से 10% ये लिख लो, और तुमको पता रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज और के केस में काम हो सकता है। बायबैक बहुत बड़ा दिखा हमको, हमको बायबैक समझ में नहीं आया क्योंकि बायबैक पिछले बार 3 क्वेश्चन पूछ चुका है और तीनों एक एक मार्क्स के थे, स्पेशल रेजोल्यूशन का था, डेट इक्विटी रेशियो का था, और कितना बायबैक हो सकता नहीं हो सकता ऐसा कुछ था शायद, मुझे पर याद आ रहा है, यही था ना। इस बार बायबैक का सिर्फ प्रोसीजर पूछ सकता है, अगर पूछा तो तुम्हारे किताब का 7.37 में दिया प्रोसीजर, 1.5 पेज का ही है, बस उस प्रोसीजर को आंख से निकाल लीजिएगा। प्रोसीजर फॉर बायबैक 7.37 आपके किताब, रिडक्शन और डिमिनेशन ऑफ शेयर कैपिटल में सिर्फ डिफरेंस ही हमको सही लगा, डिफरेंस बिटवीन रिडक्शन ऑफ कैपिटल एंड डिमिनेशन ऑफ कैपिटल, और हमको कुछ समझ में नहीं आया, डिडंट गॉट द थिंग्स कि कुछ ऐसा है। फोरफीचर केस लॉ मिलना चाहिए, फोरफीचर का केस लॉ अच्छे से करिए, फुल्ली पेड शेयर फोरफीचर हो सकता है कि नहीं, अगर ग्राउंड्स है AOA में स्पेशली दिया हुआ है तो ही हो सकता है, अदरवाइज फोरफीचर अनपेड कॉल्स के लिए ही होता है। साथ में ये याद रखना, कोई भी फोरफीचर उन शेयर्स का नहीं हो सकता जिनमें आपका दूसरा पैसा ड्यू है कंपनी में, अनपेड कॉल है तो ही कर सकते हैं, ऑथराइज बाई AOA होना चाहिए, और साथ में सर जी सबके लिए समान होता है, ये नहीं कि एक बंदे का फोरफीचर कर रहे दूसरे का नहीं कर, उसको नोटिस भी देना पड़ेगा, टाइम पीरियड देना पड़ता है मिनिमम 14 डेज और का, तो थोड़ा वो ध्यान, और इसमें हम लोग को समझ में नहीं आया। नॉमिनेशन ओनली केस लॉ, स्कैनर में जो प्रीवियस क्वेश्चन स्टम्प्स में केस लॉ आए हैं उनको ढंग से देखिए और मत देखिए। इसके बाद फर्स्ट ट्रांसफर का केस लॉ देखिए, पिछले बार रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर था, फर्स्ट ट्रांसफर ध्यान रखना, ब्लैंक ट्रांसफर और नहीं आएगा, हमको एकदम नहीं फील होता है। नाउ अब कैन माइनर बी ए मेंबर, क्वेश्चन मार्क, क्या माइनर मेंबर बन सकता है? एक्चुअली तो नहीं बन सकता है, इनकेपेबल है, और उसका नाम अगर लिख दिया है तो वो खुद अप्लाई कर सकता है हटाने के।
या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद कर देता है, लेकिन फुल्ली पेड शेयर्स में क्या हो सकता है कि नहीं? पार्टली पेड में तो हो नहीं सकता, फुल्ली पेड में हो सकता है कि नहीं? हाँ हो सकता है, गार्जियन का नाम लिखा रहेगा। और अगर ट्रांसमिशन से माइनर हो रहा है मेंबर, तो उस केस में उसका लीगली अपॉइंटेड गार्जियन होना चाहिए, तभी वो हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो वो बता दिए क्या था? साथ में सेक्शन 106 सबसेक्शन 1 छपेगा, बता दिए आना चाहिए। ये क्या है? कब एक बंदा वोट नहीं कर सकता, कब एक आदमी का वोटिंग राइट रोक सकते, एक मेंबर का वोटिंग राइट कब रोक सकता है? हम तुम लोग को पढ़ाते वक्त भी इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं। तीन सिचुएशन, कॉल्स पे नहीं किए, नंबर टू राइट ऑफ लियन, कंपनी ने लियन एक्सरसाइज कर दिया है, या फिर उसका कुछ और पैसा बाकी कर दिया। इन तीन को छोड़ के किसी भी सिचुएशन में उसका वोटिंग राइट रोका नहीं जा सकता, ये ध्यान रखना। ट्रांसफर ऑफ पार्टली पेड शेयर्स क्या था इसके अंदर में? पार्टली पेड अप शेयर्स अगर होगा और अगर ट्रांसफर ही अप्लाई किया है तब तो कंपनी को कोई दिक्कत नहीं हो, कंपनी उसके नाम पे रजिस्टर कर देगी, अगर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ट्रांसफर अप्लाई किया तो कंपनी ट्रांसफर को पहले बताएगी कि नहीं पार्टली पेड अप है, देख ले कोई डाउट है कि नहीं, और अगर उसके साइड से कोई ऑब्जेक्शन नहीं मिलता तो कर देगी, और अगर ऑब्जेक्शन मिलता है तो वो ट्रांसफर रजिस्टर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। नॉर्मल है, डिफरेंस के लिए मेंबरशिप वर्सेस शेयर होल्डर पढ़ लो, हमको लगता है एक बार देख लेना चाहिए। मेंबरशिप वर्सेस शेयर होल्डर डिफरेंस के लिए जो हमको समझ में आया, यहां पे आपका मेंबर्स खत्म हो जाता है। अब हम रजिस्टर और रिटर्न का बात करेंगे, जो हमको समझ में आया बता दिए। रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स, सर जी पिछले बार 15 मार्क पूछ चुका है, अब क्या पूछेगा? कुछ बचा ही नहीं, एक्चुअली सब कुछ पूछ चुका। तो जो पूछने लायक समझ में आया, सेक्शन 91 है, क्लोजर ऑफ रजिस्टर को लेकर, याद करो 30 दिन एक बार में और मैक्सिमम 45 डेज, याद है एक साल में, टोटल ईयर में 45 भी हो सकता है, याद आता है कुछ ऐसा? तो क्लोजर ऑफ रजिस्टर सेक्शन 91 ध्यान रखिए। दूसरा ये स्टंप होगा, ये क्वेश्चन अगर आया तो 99% केस में बच्चे अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, जो हम बोलने वाले हैं। एमजीटी 10 क्या है बता दो कोई? प्रोमोटर्स का शेयर होल्डिंग का रिटर्न, जिसके अंदर में 2% या टॉप 10 शेयर होल्डर्स का डिटेल दिया रहता है और 2% या उससे ज्यादा का चेंज होता है, तो उसका पूरा डिटेल देना पड़ता है आपको 15 डेज के लिए, इसको स्ट्रिक्ट रखना देना। तीसरा टाइम ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स रजिस्टर्स रहते, कितना साल के लिए प्रिजर्व करना पड़ता है? बेसिकली 8 साल है सब में, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स और फॉरेन रजिस्टर में इनफाइनाइट हमेशा, ये याद रखना फॉर एवर है। फॉरेन रजिस्टर एक ही सिचुएशन में बंद हो सकता है जब उसका सारा एंट्री प्रिंसिपल बुक में या दूसरे फॉरेन रजिस्टर में ट्रांसफर हो जाता है, याद है तुम लोगों को? ये ध्यान रखना, एमजीटी 1 होता था रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, एमजीटी 2 क्या होता था? डिवेंचर होल्डर लोग का, एमजीटी 2 याद कर लो, सेटल रखो अपने दिमाग में, हम पढ़ाए तुमको। ये हो गया तुम्हारा रजिस्टर एंड रिटर्न, हमको यही समझ में आया, जितना पढ़ो उतना बढ़िया है। इफ यू कैन रिवाइज बेटर रिवाइज गुड, इम्पोर्टेंट को ज्यादा अच्छे से देखना चाहिए। डिबेंचर्स जो चैप्टर है, डिपॉजिट्स डिबेंचर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, डिबेंचर से हमको सिर्फ एक ही चीज समझ में आया, डिबेंचर ट्रस्टी जिसमें उसका ड्यूटीज हमको नहीं समझ में आया, मतलब डिबेंचर ट्रस्टी जो हेडिंग है उसमें सब कुछ पढ़ो, ड्यूटी लीस्ट इंपॉर्टेंट होगा, समझ गए? सेटल्ड है। डिवेंचर में भी 20 साल 30 साल था सर, हमको याद, सेम वही प्रोविजन था सर,
सर जी,